जी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमने क्या किया। इस एग्जांपल में दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को आपस में ऐड किया, लेकिन जो एग्जांपल है उसमें हम कह रहे हैं कि विदाउट रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि अगर हमने यही सेम एग्जांपल रिटर्न के कॉन्सेप्ट के थ्रू करनी हो तो क्या डिफरेंस आएगा। अच्छा, तो यहाँ देखेंगे, इन द अबव एग्जांपल वी कैन नॉट ऐड थ्री ऑब्जेक्ट्स। उससे पहले एग्जांपल देख लेते हैं कहाँ ये। जी ये तो ये पढ़ना है आपने, ये पॉइंट समझना है आपने। वही है कि जैसे अभी कुछ लोग कह रहे थे कि अगर हमने जो है वो तीन ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है तो वो कैसे होगा। तो मैंने उसका सलूशन ये बताया कि अगर हमने तीन ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है तो उसका सलूशन ये है कि हम क्या करेंगे कि ऐड रेक के मेथड में, जैसे हमने एक ओ बी जे पास किया था, मैं उसको ओ बी जे वन कह रहा हूँ और दूसरे ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट टू कह रहा हूँ। ठीक है, तो इससे होगा ये कि फिर हम तीन ऑब्जेक्ट्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर चौथा ऐड करना हो, पांच ऐड करने हो, छह ऐड करने हो, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हर दफ़ा अपने फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस तरह का जो सिनेरियो है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हर दफ़ा फंक्शन की डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। आपने देखा कि दो को ऐड करना है तो ठीक है, लेकिन तीसरे के लिए मुझे डेफिनेशन चेंज करनी पड़ रही है, और अगर मैंने चौथा ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे अपने फंक्शन की डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो सर इस तरह तो फंक्शन हमारा बहुत लेंथी बन जाएगा। एग्जैक्टली, तो उसी के सोल्यूशन की तरफ हम आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो कमिंग एग्जाम्पल है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो रिटर्निंग ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा, यहाँ रेक्टेंगल के लिए हमने यहाँ पे जो एड रेक्ट का फंक्शन बनाया था उसको थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज ये किया कि पहले यहाँ पे वॉइड था, वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था। अब हम कह रहे हैं कि वो रेक्टेंगल टाइप की एक वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा, और काफ़ी चेंज है। अब ज़रा देखिए, हमने सम किया है, जो वेरिएबल सम था उसको अपडेट करने के बाद हमने सिंपली उस वेरिएबल सम को यहाँ से रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने लिखा रिटर्न सम, तो वो जो भी सम की वैल्यू थी उसको पहले हमने क्या किया था, पहले वाले केस में, इसको भी देख लें, पहले वाले केस में यहाँ तक हमने सेम लिखा था, और फिर उस सम वेरिएबल को हमने क्या किया था, यहीं पे प्रिंट कर लिया था, इधर ही हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। लेकिन अब क्या करें, हम ये कह रहे हैं कि ये जो भी सम है इसको रिटर्न करते हैं, तो रिटर्न करने के लिए वॉइड की जगह सम की डेटा की टाइप जो है वो रिप्लेस करनी पड़ेगी मुझे। यहाँ पे हमने यही किया, वॉइड को हमने रेक्टेंगल के साथ चेंज कर लिया, और डिस्प्ले करने के बजाय यहीं पे मैंने सम वेरिएबल को कि जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर दिया। फिर इस तरह तो हमें मेन में बार बार कॉल करना पड़ेगा फंक्शन है कॉल तो फंक्शन बनाते ही हम इसलिए ताकि हम उन्हें कॉल कर सकें। नहीं सर, हम चाह रहे हैं कि तीन से चार वैल्यूज एक साथ हम लोग उसका कंपैरिजन कर सके ना, मगर ये तो स्टिल दो वैल्यूज को ही कर रहे हैं और हमें बार बार हर वैल्यू के लिए दोबारा से कंपैरिजन के लिए कॉल करना पड़ेगा फंक्शन। तो ये तो नाउन प्रॉब्लम है ना। देखिए, आपने अगर तीन आपके पास वैल्यूज हैं तो आप क्या करते हैं, आप एक वैल्यू को दूसरी के साथ कंपेयर करते हैं और फिर एंड या और लगा के फिर तीसरी के साथ करते हैं। तो फंक्शन जब भी बनाते हैं तो उसका बिहेवियर बिल्डिंग तो यही होता है। ओके समझ आइए ये बात। ठीक। तो हम अभी जो है इस फंक्शन को हम ये कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट के लिए काम करे, फिर बाद में हम जो है वो जब इसको कॉल करेंगे तो हम क्या करेंगे, एंड या और के साथ, पहले ऑब्जेक्ट को तीसरे के साथ, पहले को चौथे ऑब्जेक्ट के साथ, तो इस तरह से कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि अगर चार वैल्यूज को एक साथ ऐड करना है तो फिर उसके लिए फंक्शन हमें जो है वो चार के लिए ही बनाना पड़ेगा, वो फिर पांचवी को ऐड नहीं कर पाएगा। चलें, तो ये जो राहिल का क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमने जो है वो पब्लिक वॉइड को पब्लिक शो करता है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप। क्वेश्चन जो है वो
डिटेल में लिखें ताकि मुझे समझ आए, पूछ लें माइक ऑन करके। जो खैर, तो ये पॉइंट समझ आ गया कि हमने क्या करना है, वर्ड की जगह रेक्टेंगल कर लिया मैंने और रिटर्न कर दी उस वैल्यू को, मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो रिटर्न के केस में आपको उसे सेव करना पड़ेगा कहीं, ठीक है। तो मैं देखें, मैं यहाँ तक वही कॉल है पहले वाली, आर वन के लिए वैल्यूज इनपुट की, सेट की वैल्यूज, और आर वन की वैल्यू को हमने शो के थ्रू डिस्प्ले कर लिया। ये वाला काम आर टू के लिए किया, सेट की वैल्यूज और उनको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आर वन है वो ऐड हो जाए किसके साथ, आर टू के साथ। तो पहले हमने इस चीज़ के लिए ये चीज़ की थी ना, हमने लिखा था आर वन डॉट ऐड रेक्ट आर टू, और ये दोनों जो है वो ऐड होने के बाद फंक्शन की बॉडी के अंदर ही क्या हो रहे थे, प्रिंट हो रहे थे, ठीक है। तो अब चूंकि ये जो ऐड रेक्ट है ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मुझे जो है वो इसको कॉल करने के लिए, इसको सेव करने के लिए कॉल को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ देखें, ये हम ये कह रहे हैं कि आर वन डॉट ऐड रेक्ट विद आर टू, सेम वही कॉल है, लेकिन फ़र्क ये है कि इन दोनों का जो रिज़ल्ट है, अब ऐड रेक्ट जो है वो प्रिंट नहीं कर रहा, बल्कि ऐड रेक्ट क्या कर रहा है कि उन दोनों के रिज़ल्ट को रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न सम वहाँ से हो रहा है, और सम की जो डेटा की टाइप है वो रेक्टेंगल है। तो उसको सेव करने के लिए रिज़ल्ट का एक मैंने वेरिएबल बना लिया जिसकी डेटा की टाइप भी यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल। ये पॉइंट अगर किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ लें। सर आपने रिटर्न टाइप के लिए वो रेक्टेंगल लिखा है एंड ये वर्ड भी लिखा है ना। आपकी आवाज कट रही है, दोबारा पूछें। सर आपने रिटर्न टाइप जो लिखी है रेक्टेंगल क्यों लिखी है? क्योंकि मैंने ऐड करने आर वन को आर टू के साथ, उन दोनों का जो रिजल्ट है वो भी रेक्टेंगल टाइप का ही होगा ना, उनमें लेंथ और विड्थ आ रही है। तो अगर आपने एंड भी लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, अगर आपने एक्स और वाई इंटीजर टाइप के लिए हैं तो आप उनको जो है वो कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं उनके सामने को। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है ना कि आर वन और आर टू जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेक्टेंगल क्लास का है, तो उन दोनों का जो सम आएगा वो भी जो है वो रेक्टेंगल क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है सर। चल, और है किसी के क्वेश्चन कोई इससे रिलेटेड? चलें, गुड। तो यहाँ पे यहाँ तक आपने बात समझ ली है कि हमने क्या किया कि आर वन को ऐड कर लिया आर टू के साथ, और उन दोनों का जो रिजल्ट था उस रिजल्ट को मैंने एक रिजल्ट वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया, और जो रिजल्ट है वो भी रेक्टेंगल टाइप का ही है। तो अभी तक हुआ ये कि मैंने यहाँ पे सम ऑफ आर वन और आर टू जब किया और रिजल्ट डॉट शो किया, तो रिजल्ट में चूंकि आर वन और आर टू का सम आ चुका है, तो यहाँ जब मैं शो करूँगा तो आर वन और आर टू का रिजल्ट आ जाएगा, और वो मेरे पास क्या है, सम ऑफ आर वन आर टू इज 20 and 29, ठीक है। अच्छा, अब हम ये चाह रहे हैं कि एक और आर थ्री बने और उसकी ये वैल्यूज हों 15 और 14। तो यहाँ हमने आर थ्री एक वेरिएबल बनाया रेक्टेंगल आर थ्री, और आर थ्री के लिए हमने वैल्यूज क्या रखी, 15 और 14, और उन वैल्यूज को हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया आर थ्री डॉट शो। सर जी, सर ये जो आपने रिजल्ट प्रिंट करवाने से के बाद जो रिजल्ट डॉट शो रेक्ट लिखा है, ये किस लिए? रिजल्ट जो है वो रेक्टेंगल टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो उसकी वैल्यूज में yes, उसमें सम आया है ना आर वन और आर टू का, तो उसको प्रिंट करने के लिए yes, sir, आया हुआ। उसको जो उसको प्रिंट करने के लिए ये मैन है ना, अब तो मैन में मैं ये तो नहीं लिख सकता कि रिजल्ट डॉट लेंथ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन रिजल्ट डॉट लेंथ, ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लेंथ जो है वो प्राइवेट है, तो फिर फंक्शन कॉल कर लिया वैल्यू को प्रिंट करे। थैंक यू। अच्छा जी,
तो ये बात यहाँ पे हो रही थी कि R3 जो है वो एक और एक वेरिएबल बनाया, उसको प्रिंट करा लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो पहले मेरे पास सम आया है वो दो वेरिएबल उसका सम है, और अब एक R3 भी आ चुका है, और तीनों को मैंने आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तीनों को मैंने क्या करना है, ऐड करना है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि रिजल्ट को ऐड कर लो किसके साथ, R3 के साथ। अब यहाँ पे रिजल्ट में ऑलरेडी R1 और R2 का सम है, तो होगा ये कि जो R3 है वो ऐड होगा रिजल्ट के साथ, और वापस जो दोनों का सम है वो रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होगा कि रिजल्ट के अंदर R1 और R2 का सम पहले से है और वो ऐड हो जाएगा R3 के साथ, और जो तीनों का सम है वापस किस में आ जाएगा, रिजल्ट में। अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि R1, R2 और R3 इन तीनों का जो सम है वो किस में पड़ा हुआ है, रिजल्ट के अंदर। तो अगर हम यूँ कर लें तो फिर मेरे पास जो है वो सम ऑफ R1, R2 एंड R3 35 और 43 आ जाएगा। ठीक है, और इसका बेनिफिट ये है जी सर आप एक बार फिर शो रेक्ट वाला फंक्शन दिखा सकते हैं जी मैं सर। ये शो रेक्ट का फंक्शन है। ठीक है, इसमें हम क्या करें, सिर्फ लेंथ ठीक हो और गया विड्थ सर। की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, जो भी इसको कॉल करें यस वो R1 हो सकता है, वो R2 हो बिल्कुल सकता है, वो R3 हो सकता है, और वो रिजल्ट भी हो सकता है, ठीक सम भी हो सकता है। कोई भी रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो इसको कॉल कर सकता है, और ये उसकी वैल्यूज को क्या करेगा, प्रिंट कर दे। थैंक यू। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि इसका बेनिफिट ये है कि जब आप वैल्यू को रिटर्न करें तो रिटर्न का फ़ायदा ये है कि आप जो है वो उसी फंक्शन को यूज़ करते हुए, यहाँ देखिए मैंने R3 के लिए कोई नया फंक्शन नहीं बनाया, R3 के लिए उसी फंक्शन एड रेक्ट को जो है वो यूज़ किया है, और एड रेक्ट की डेफिनेशन में भी चेंज नहीं किया कि यहाँ पे मैं एड रेक्ट को यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर दूँ, ये काम नहीं किया। इट मीन्स जो है वो फंक्शन जो है वो जेनेरिक फंक्शन बन गया है, कि उस फंक्शन से के थ्रू मैं चाहूँ तो दो ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर सकता हूँ, चाहूँ तो पाँच ऑब्जेक्ट को भी आपस में ऐड किया जा सकता है। तो ये रिटर्न का फ़ायदा है हमें। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें। चलिए गुड, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।